कॉकरोच की इंटेस्टाइन है वो आज हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करें, इसके जो थोरेक्स से जो पार्ट लेग्स हैं उनको कट कर लेते हैं हम लोग पहले। अब क्या करेंगे हम लोग, वैसे तो इसको डोर्सल सरफेस से खोलना होता है, नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है तो उनको डोर्सल सरफेस से खोलेंगे, कॉर्डेट होते हैं उनको वेंट्रल सरफेस से। तो ये इजीली इसकी जो प्लेट्स हैं ये स्क्लेरॉइड्स, जो डोर्सल की स्क्लेरॉइड्स है उसको बोलते हैं इन प्लेटों को टर्गम, वेंट्रल की जो ये प्लेटें हैं इनको बोलते हैं, वेंट्रल की इन प्लेटों को बोलते हैं स्टर्नम। तो प्लेटें आसानी से रिमूव हो जाए इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो साइड से थोड़ा सा मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑल पिन लेकर इसका ये जो हेड है इसके हेड में एक ऑल पिन हम लगा देंगे। फिर ये ऑल पिन लेकर इसके जो एब्डोमन का लास्ट टर्गम है उसमें ऑल पिन लगा देंगे। उसके बाद अब हमें ये इसके स्क्लेरॉइड्स हैं जो ये वाले, ये स्क्लेरॉइड्स प्लेट हैं, इसके प्लेटें ये रिमूव करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले करें, नीचे वाली जो प्लेट है वहाँ एक ऑल पिन लगा दें हम लोग इस तरह, एक आगे तक लगा दें। फिर एक ब्लेड लेकर ट्रगम साइड की प्लेटें हैं उठाने का प्रयास करेंगे हम लोग। इंटेस्टाइन हमें दिखनी स्टार्ट हो गई है इसकी, ये देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये इसका क्या है, क्रॉप इनपुट, और ये
ये मैं इसके फैट बॉडी वाइट वाइट है, इसको साइड में हटा देता हूँ। फिर देखो आपको ये हिपेटिक सिक्का बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे इसके। ये जो पार्ट है मैं फोरसेप से दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पार्ट है ये वाला, ये इसका गिजार्ड पेशणी, और गिजार्ड के पास जो ये लगे हुए हैं ये क्या है, हिपेटिक सिक्का। क्लियर है हिपेटिक सिक्का, गिजार्ड से जुड़े हुए, इनके अंदर डाइजेस्टिक एंजाइम बनते हैं और जो भोजन का पाचन करने में सहायक है। और उसके बाद हम लोग अब कोशिश करेंगे इसमें से मेल पीजियन ट्यूबुल्स निकालने की। तो अब इस इंटेस्टाइन को पीछे से और साफ करने की कोशिश करते हैं हम। अब मैं इस इंटेस्टाइन को और फैला लेता हूँ। अब यहाँ देखें ये जो येलो कलर के दिख रहे हैं, ये बारीक बारीक पतली पतली जो नलिकाएं हैं, ये वाली जहाँ मेरा ब्रश है, तो ये है इसका मेल पीजियन ट्यूबुल्स, मेल पीगी नलिकाएं, ठीक है। ये हिपेटिक सिक्का, कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि हिपेटिक सिक्का कहाँ है, मेल पीजियन ट्यूबुल्स कैसी है, उसी को भी बना देते हैं डायग्राम, ऐसा नहीं है। तो ये जो हिपेटिक सिक्का है ये तो गिजार्ड के पास, जहाँ गिजार्ड जुड़ा हुआ अटैच, उसके जस्ट नीचे अटैच हैं ये वाले। ये देखो चार इस तरफ हैं और चार इस तरफ हैं। ये काउंटिंग में भी ऐसे ही नहीं है कि कितने भी बना देने हैं, देखो चार क्लियर दिख रहे हैं, चार अपने को, चार ये रे और चार वो रे दूसरी तरफ, और ये लगभग 100 से 120 तक, 100 से 120 तक ये मेल पीजियन ट्यूबुल्स होगी। और ये क्रॉप है, क्रॉप यहाँ आगे तक जाकर ईसोफेगस बनाएगा और ईसोफेगस फेरिंग्स में जाकर माउथ में खुल जाएगा ये। तो माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद ये क्रॉप, क्रॉप के बाद ये गिजार्ड, गिजार्ड से जुड़े हुए हिपेटिक सिक्का, ठीक है। ये हिपेटिक सिक्का से आगे वाला हो गया इसका फोरगट, मतलब अग्रांत। ये दूसरा है वो मध्यांतर, मिडगट, और ये यहाँ से है हाइंडगट, पश्चांतर। तो मिडगट और हाइंडगट दोनों जहाँ फ्यूज हो रहे हैं वहाँ है मेल पीजियन ट्यूबुल्स, ये येलो से कलर की जो दिख रही है, मेल पीजियंस ट्यूबुल्स। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। और कोशिश कर लेते हैं अपने थोड़ा इसको और आगे कट करने की, ताकि हम लोग इसको माउथ बक्कल कैविटी तक ले जाएं। तो कितना सक्सेस होते हैं वो बाद की बात है, ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये जो चिमटी लगाई है जहाँ मैंने, ये वाइट से कलर का थ्रेड दिख रहा है, ये वाला, ये इसका नर्व कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम। इसको आगे तक निकालना है हम लोगों ने। अब देखो ये इंटेस्टाइन जो है, वो और आगे तक क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ये इसका गिजार्ड था, ये इसके माउथ में जाती है इंटेस्टाइन, बक्कल कैविटी में। ये क्रॉप से इसोफेगस, इसोफेगस से ये आगे अब बक्कल कैविटी में जाने से पहले फेरिंग्स बन जाएगी, ठीक है। तो मुंह के अंदर जाने से पहले फेरिंग्स,
मुंह से पहले बक्कल कैविटी, मुंह के बाद बक्कल कैविटी के बाद में फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रोप, क्रोप के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के साथ जुड़े हुए हेपेटिक सिक्का, फिर ये मिडगट आ गई, मिडगट के साथ मेलबीजियन ट्यूबल्स, फिर हाइंडगट आ गई और ये रेक्टम में लास्ट ट्रगम पे जाके खुल जाएगी, ठीक है। और ये नीचे इसके क्या है, इसका नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये बक्कल कैविटी से इंटेस्टाइन आ रही है, बक्कल कैविटी के बाद थोड़ा सा भाग होगा इसका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद ये जो थैला है इसको बोलते हैं क्रोप, क्रोप के बाद में ये गिजार्ड, ये वाला गिजार्ड के साथ ये जुड़े हुए आठ हेपेटिक सिक्का, उसके बाद ये मिडगट मध्यांतर, मध्यांतर के साथ ये जो येलो कलर के जो दिख रहे हैं ट्यूबल्स, इसको बोलते हैं मेल पीजी नलिकाएं या मेल पीजी ट्यूबल्स, और फिर ये हाइंडगट, और हाइंडगट में ये लास्ट में थोड़ा सा फूलेगा ये पार्ट, और ये रेक्टम से एनस बाहर खुल जाएगा यहाँ। तो ये पूरी इंटेस्टाइन है इसकी, ये उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आ गई होगी। ओके।